नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी क्विज नंबर 6 के। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक है, भारत एक राज्यों का संघ है। तीसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। राइट आंसर है अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, तो राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर है केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, तो राइट आंसर इसका जो है वो है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की आश्वस्तता उपलब्धता करना है, लोगों की विकास में भागीदारी, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रह और राजनीतिक उत्तरदायित्व। राइट आंसर है इसका 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4, ये तीनों सही हैं, लोगों के विकास में भागीदारी, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और राजनीतिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। राइट आंसर अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होना चाहिए। राइट आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय प्राप्त मिलता है। राइट आंसर है 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का इस्तेमाल कर रहा होता है इस समय। राइट आंसर है निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, किस व्यक्ति ने। राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है। राइट आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के द्वारा कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। राइट आंसर है 20 सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुना गया, इनमें से कौन निर्विरोध नहीं चुना गया, तो उसका आंसर है KR नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां पर की गई है। राइट आंसर है 1955 के नागरिकता संबंधी कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राइट आंसर है राज्य सूची के विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है। राइट आंसर है इसका 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में लोकपाल का प्रस्तावित संस्थान उस ओम्बड्समैन के संस्था की नकल है जो सर्वप्रथम कहां पर किया गया था। राइट आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। राइट आंसर है 62 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? राइट आंसर है 64 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है? राइट आंसर है 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा कराना पड़ती है? राइट आंसर है 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करानी पड़ती है? राइट आंसर अगेन 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी प्रसाद पर्यंपन तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र को संबोधित कब करते हैं? तो ये कब करते हैं, तो राइट आंसर है इसका लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात। जो राइट आंसर है इसका वो है सी, एक्चुअली में प्रतिवर्ष भी करते हैं और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, मतलब राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि यानी कंटेंजेंसी फंड से धन व्यय कर सकता है? किसकी सहमति से? तो उसे किसी की संस्तुति यानी सहमति की यानी सिफारिश की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग यानी कास्ट वोट कब करता है? जब मत बराबर रहते हैं किसी विधेयक पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? राइट आंसर है सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर है इसका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संघ राज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति किस व्यक्ति ने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति यानी 2007 से 12 के रूप में कार्य किया है? राइट आंसर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? इनमें से कौन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण हेतु परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का पहली बार निम्नलिखित में से कब गठन किया गया था? राइट आंसर है 1952। और ये जो उसके बाद 62 हैं, ये इनके बाद इन वर्षों में भी गठन किया गया है, लेकिन पहली बार 52 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर है इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा सीटें किस राज्य में मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 74 के आधार पर मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 74 के आधार पर मंत्रिपरिषद यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 74 के आधार पर मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति, वास्तविक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा यानी संसद के प्रति, एक्चुअली ये राइट है। चलिए, तो ये थे 50 क्वेश्चन। निश्चित है ये क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से बनते हैं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा और क्विज को बनाता रहूँगा।